आज हम देखेंगे घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। मिथ्या धारणा एक, ईशान नम्रता और विनय 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 5 को सरल कर रहे थे। ईशान ने इसका जवाब प्राप्त किया 16 के ऊपर घात 15, नम्रता ने जवाब प्राप्त किया 4 के ऊपर घात 15 और विनय ने जवाब प्राप्त किया 4 के ऊपर घात 8। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब प्राप्त किया। कुछ बच्चे घातांकों के नियमों यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को ठीक से नहीं समझ पाते, इसके कारण उन्हें गलत परिणाम प्राप्त होता है। जैसे यहाँ ईशान ने 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 5 को सरल करने के लिए आधारों यानी बेसिस का गुणा किया है और इसी के साथ घातांकों का भी गुणा किया है। इसके कारण उसे 16 के ऊपर घात 15 यह गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। इसी तरह नम्रता ने आधार तो वैसा का वैसा रखा है, लेकिन परिणाम की घात प्राप्त करने के लिए उसने संख्याओं के घातांकों का गुणा किया है, इसलिए उसे 4 के ऊपर घात 15 यह गलत परिणाम प्राप्त हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि गुणन की जाने वाली संख्याओं का आधार समान है। जब आधार समान हो तो हम घातांकों को जोड़ते हैं, यानी कि a के ऊपर घात m गुणा a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n, जहां a एक पूर्णांक है और m और n पूर्ण संख्याएं हैं। इस तरह से यहां 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 5 बराबर 4 के ऊपर घात 3 धन 5 यानी कि 4 के ऊपर घात 8 होगा। इसलिए विनय द्वारा दिया गया जवाब सही है, यानी कि ऑप्शन तीसरा दिए सवाल का सही जवाब है। मिथ्या धारणा दो, ज्ञात कीजिए 5 के ऊपर घात 6 विभाजित 5 के ऊपर घात 2 का परिणाम क्या होगा। 5 के ऊपर घात 6 विभाजित 5 के ऊपर घात 2 का विभाजन करते समय कुछ बच्चे आधार वैसा का वैसा रखकर दोनों संख्याओं के घातांकों का विभाजन करते हैं, जिससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 5 के ऊपर घात 3, यानी कि ऑप्शन एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे आधारों का विभाजन करते हैं और फिर घातांकों का विभाजन करते हैं, जिससे उन्हें जवाब प्राप्त होता है 1 के ऊपर घात 3, यह भी गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन दूसरा दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। सही समझ यह है कि जब हम दो ऐसी संख्याओं का विभाजन करते हैं जिनका आधार समान है, तब हम आधार वैसा का वैसा रखते हैं और घातांकों का व्यवकलन करते हैं, यानी कि a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n, जहां m n से बड़ी संख्या है। इस तरह से 5 के ऊपर घात 6 विभाजित 5 के ऊपर घात 2 बराबर 5 के ऊपर घात 6 ऋण 2 बराबर 5 के ऊपर घात 4 यह सही जवाब है, इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। मिथ्या धारणा तीन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 के बराबर है। कुछ बच्चों की यह मिथ्या धारणा होती है कि a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n होता है, इसके कारण वे 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 3 धन 2 बराबर 4 के ऊपर घात 5 लिखते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। यहाँ योग के स्थान पर गुणन किया जाता है, यानी कि सही समझ है a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n। इस तरह से हम 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 3 गुणा 2 बराबर 4 के ऊपर घात 6 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन एक गलत जवाब है और ऑप्शन दो सही जवाब है। इसे ही आप निम्न प्रकार से भी समझ सकते हैं, हम 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 3 गुणा 4 के ऊपर घात 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार सरल कर सकते हैं। अब यहाँ 4 को स्वयं से 6 बार गुणा किया गया है, इसलिए इसे ही हम 4 के ऊपर घात 6 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसलिए 4 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात 2 बराबर 4 के ऊपर घात 6 लिखना सही है, जबकि 4 के ऊपर घात 5 लिखना गलत। इसी प्रकार बच्चे समान घातांकों वाली संख्याओं के गुणन के संदर्भ में भी एक गलती करते हैं, जैसे 3 के ऊपर घात 3 गुणा 5 के ऊपर घात 3 का गुणन करने के लिए बच्चे आधारों का गुणा कर परिणाम का आधार प्राप्त करते हैं 15
और इसी प्रकार घातांकों का गुणा कर परिणाम का घातांक प्राप्त करते हैं 9। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है 15 के ऊपर घात 9। सही समझ यह है कि a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m। इस तरह से 3 के ऊपर घात 3 गुणा 5 के ऊपर घात 3 बराबर 3 गुणा 5 के ऊपर घात 3 बराबर 15 के ऊपर घात 3 यह सही जवाब है। तो आज हमने देखी घातांकों के नियमों से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती।